हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज मैं पेपर लेके आया हूँ। DMLT का फर्स्ट ईयर का पेपर है, इन्वायरमेंटल स्टडीज। इन्वायरमेंटल स्टडीज है, ये कॉमन सब्जेक्ट है जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए और DMLT के लिए ये कॉमन सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल स्टडीज। तो ये आप और जितने इन्वायरमेंटल स्टडी की बात कर रहे थे हम, EVS का पेपर, ये आपका डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का है। ये डिप्लोमा फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का हो या DMLT का हो, जी सब में कॉमन है EVS। तो वही पैटर्न वही है, सेक्शन ए में मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन अटेंड करने हैं जो एक एक नंबर के आ रहे। ताजमहल में भी डैमेज्ड भाई, जो ताजमहल है वो किसकी वजह से डैमेज होता है? तो बहुत ईजी है, H2 की O2 की SO2 और CH4। H2 का मतलब हाइड्रोजन, O2 का मतलब ऑक्सीजन, SO2 का मतलब सल्फर डाइऑक्साइड एंड CH4 का मतलब मीथेन। तो इसमें जो डैमेज करेगा वो SO4 से करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ये बहुत डेंजरस होती है जी गैस, ह्यूमन फॉर हार्मफुल होती है एंड डैमेज करती है, बहुत जहरीली गैस होती है जी SO2। देखिए 6 क्वेश्चन अटेंड करने थे, मल्टी चॉइस क्वेश्चन है ये। ग्लोबल वार्मिंग रिजल्ट इन, तो क्या है ग्लोबल वार्मिंग रिजल्ट इन? तो ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से, उसका रिजल्ट क्या आएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आएगी बात करते हैं हम सेक्शन बी की। सेक्शन बी भी कितने कितने नंबर की हैं, वो भी एक एक नंबर का है, 6 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। बट डिफाइन पॉल्यूटेंट, अब बताओ डिफाइन एनवायरमेंट। ये तो आप आसानी से कर सकते हो, बहुत ईजी पेपर है इसका। व्हाट इज मीन बाय सॉलिड वेस्ट, डिफाइन नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन का मतलब क्या है, कहाँ से रिसोर्स होते हैं इसके नॉइज पॉल्यूशन? जैसे हॉर्न है, व्हीकल के हॉर्न है, जो शोरगुल होता है, जो तुमने देखा वो व्हीकल होते हैं, हाईवे पे व्हीकल चलते हैं, जो हॉर्न बजाते हैं, लाउड स्पीकर हैं, ये सब नॉइज पॉल्यूशन में आते हैं। जो बहुत तेज़ आवाज़ में चलाते हैं उसे नॉइज पॉल्यूशन बोलते हैं। सेक्शन सी देखिए, इसमें कितने क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं, आउट ऑफ 10 में से 8 क्वेश्चन अटेंड करने हैं बस। और जो ईच क्वेश्चन कितने कितने हैं, 4-4 नंबर के हैं। राइट सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन का सोर्स क्या क्या है, ये आपको पता होगा, देखा होगा। रिवर में जो वेस्ट, इंडस्ट्री के जो वेस्ट है, या डोमेस्टिक घर से जो वेस्ट है, नाले हैं, वो सब रिवर में जा रहे हैं, उसे वो वाटर पॉल्यूटेंट करते हैं, वो वाटर पॉल्यूशन में आते हैं सब। इफेक्ट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ पे नॉइज पॉल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, बहुत डैमेज कर रहे हैं हेल्थ के लिए, हार्मफुल है बहुत ज़्यादा। तो बहुत इजी पेपर है सेक्शन डी में सेम पैटर्न है, कितने अटेंड करने हैं, आउट ऑफ 3 में से 2 अटेंड करने हैं, तो दिख रहा होगा आपको। ओके स्टूडेंट्स, इसको शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और स्टूडेंट्स के काम आ सके, जिससे और बच्चे पास हो सकें। बच्चे बहुत परेशान रहते हैं कि DMLT में ना सिलेबस मिलता, ना प्रीवियस पेपर मिलते, ना मटेरियल मिलता। तो आप आसानी से पास हो सकते हो, मैं इसलिए मेहनत कर रहा हूँ जिससे बच्चे आसानी से पास हो सकें। तो प्लीज़ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।